हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। मेरे परिजनों, इस वीडियो को आंख खोलकर पूरा लास्ट तक देख लेना, आपके मसीही जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। यीशु मसीह ने कहा है, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वो आत्मा मरने के बाद या तो धनवान की साइड चली जाएगी या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी। समय कम है, दिन बुरे हैं, अपने प्राणों को बचाओ मेरे प्रियजनों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अंत के दिनों में मस्ती में डूबे हुए हैं, पाप कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें आज जिस बॉडी पे शरीर पे घमंड है, एक दिन वही बॉडी वही आत्मा एक दिन मरने के बाद धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी और एक दिन फिर से प्रभु सबों का पुनरुत्थान करेगा, उन सबों को मुर्दा जीवित करेगा और मुर्दा में मांस डालकर परमेश्वर फिर उसको न्याय उसका न्याय किया जाएगा। उसका न्याय परमेश्वर करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, यीशु मसीह का मजाक बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है, हंसी में उड़ा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक बना के रखे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो परमेश्वर से कर रहे हैं। हमें जरा भी डर नहीं लग रहा है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। वह अल्फा ओमेगा और अंत है मेरे प्रियजनों। उसके कहर से पृथ्वी कांपती है, उसके क्रोध को उसके कुल्हड़ को जात जात के लोग नहीं सह सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत सारे लोग होंगे जो अपने देवताओं को पूजते पूजते मर गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बिना उद्धारी के मर गए होंगे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। मगर एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रभु जब अपने दूतों के साथ आएगा तो एक दिन सबका प्रभु पुनरुत्थान करेगा, सबको जिलाएगा और मरे हुओं का परमेश्वर न्याय करेगा। जिस शरीर में आपने बॉडी से पाप किया होगा, गंदे काम किया होगा, एक दिन सबका प्रभु पुनरुत्थान करेगा और स्वर्ग सिंहासन के सामने उसका न्याय किया जाएगा। और उसका उसी न्याय करने के आधार पर परमेश्वर उसको नर्क में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। यीशु मसीह ने अपने वचन में साफ साफ कहा है, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। आग नहीं बुझने का और कीड़े कभी नहीं मरने का, मेरे प्रियजन, यदि आप गहराई से सोच कर देखो इस बात को, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का मेरे प्रियजनों, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा उस समय। यीशु मसीह ने कहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, समय रहते हुए अगर अभी भी आप यीशु के पास लौटकर नहीं आए तो समझ लेना आपका बहुत बुरा हाल होगा। थोड़ी सी मजा और अनंत काल की सजा दी जाएगी, बहुत तड़पाएगा परमेश्वर, हमेशा हमेशा के लिए उसको नरक में डाला जाएगा। याद रखना, जो आप अभी भी समय अपना बर्बाद कर रहे हो वो भी चार में गलत कामों में, यही आपको एक दिन अनंत काल की आग में लेकर चली जाएगी, यही मस्ती नरक में लेकर चली जाएगी। अगर एक बार उस नरक में चले गए, न वहाँ कभी आग बुझेगी और न वहाँ कभी कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा, बहुत तड़पाएगा परमेश्वर उसको। अभी समय बचा लो अपने आपको नर्क जाने से मेरे प्रियो, समय रहते हुए गिड़गड़ाते हुए यीशु मसीह के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। समय रहते हुए अपने पापों से मन फिरा लो, समय रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। इसलिए अपने आप को जांचो परखो कि आपके अंदर यीशु मसीह है या नहीं है। अभी आप पापों में और घिनौने कामों में लिप्त हो और बाद में नर्क में हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। इसके लिए हमें आपके लिए पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ, लुका 13:5 में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो